डॉक्टर महेश शर्मा जी, कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ जी, देश भर से आए मेरे युवा साथी और ये अन्य सभी महानुभाव, सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को हमारे वैज्ञानिकों की एक और बड़ी उपलब्धि पर बधाई देना चाहता हूं। अब से कुछ देर पहले इसरो ने पीएसएलवी C40 का सफल प्रक्षेपण किया है। पीएसएलवी से कार्टोसेट 2 सीरीज की सैटेलाइट समेत कुल 31 सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में प्रस्थापित किया गया है। इनमें से 28 सैटेलाइट दूसरे देशों के हैं। आज इसरो ने एक और रिकॉर्ड बनाया है। आज इसरो ने सैटेलाइट प्रक्षेपण में सेंचुरी भी बनाई है। इसरो की आज की सफलता के और इस प्रयास से देश के किसानों को, हमारे मछुआरे भाई बहनों को, हमारे वैज्ञानिकों को जमीनी जानकारी मिलने में बहुत मदद मिलेगी। ये कामयाबी न्यू इंडिया के मार्ग को और प्रशस्त करेगी। हमेशा देश का मान बढ़ाने वाले और देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देने वाले इसरो के वैज्ञानिकों को मैं एक बार फिर मेरी तरफ से और 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नववर्ष में विवेकानंद जयंती पर, राष्ट्रीय युवा दिवस पर हमारे वैज्ञानिकों ने देश को एक अनमोल उपहार दिया है। साथियों, मेरा मन था कि आप लोगों के बीच आकर के कुछ समय आपके बीच बिता करके आमने सामने आकर बात करता। मेरे सामने जो मिनी भारत, मिनी इंडिया इस समय ग्रेटर नोएडा में जुटा हुआ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का दिव्य भव्य चित्र प्रस्तुत कर रहा है। रूबरू में आकर इस मिनी इंडिया के, इस ऊर्जावान इंडिया के मैं साक्षात दर्शन करता, लेकिन कुछ व्यस्तता थी इसलिए आप लोगों से टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं जुड़ रहा हूं। मेरा प्रयास रहता है कि जब इस कार्यक्रम में मैं खुद ही नहीं पहुंच पाता तो वहां क्या क्या हुआ, क्या चर्चा हुई, क्या नतीजा निकला, इस बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने का मैं हमेशा प्रयास करता हूं। आप लोग भी यहां जो चर्चा परिचर्चा करेंगे उसकी पूरी जानकारी लेने का मैं पूरा प्रयास करूंगा, मेरी कोशिश रहेगी। साथियों, आज से ही राष्ट्रीय युवा महोत्सव की भी शुरुआत हो रही है। मैं नेशनल यूथ अवार्ड पाने वाले छात्रों और संस्थाओं की प्रशंसा करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि
अगले चार दिनों में यहां बहुत से कार्यक्रम होंगे। नेशनल यूथ पार्लियामेंट का भी आयोजन किया जाएगा। मैंने इस बार मन की बात करते हुए भी देश के हर जिले में मॉक पार्लियामेंट के आयोजन का विचार रखा था। ये उसी विचार की एक कड़ी की तरह है। न्यू इंडिया के विषयों पर मंथन करने का, संकल्प लेने का ये बेहतरीन अवसर है। ये 22वां महोत्सव है और मैं चाहूंगा कि जब आप लोग चर्चा करें तो इस बारे में भी मंथन हो कि जब 25वां युवा महोत्सव मनाया जाएगा तो उसका स्वरूप क्या होगा, क्या संकल्प होंगे, 25वां महोत्सव मनाते वहां इस 3 साल में हम क्या रोडमैप बना करके कहां से निकलेंगे, कहां चलेंगे, कहां पहुंचेंगे। इसी तरह जब देश 2022 में स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाएगा, उस वर्ष युवा महोत्सव किस रूप में मनाया जाएगा, इस बारे में भी अभी से एक सुदीर्घ योजना की चर्चा आप लोगों ने अवश्य करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इन 4 दिनों में आप वो अनुभव लेकर यहां से जाएंगे जो जीवन पर्यंत आपको दिशा दिखाएंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। मेरे नौजवान साथियों, इस बार महोत्सव की थीम है संकल्प से सिद्धि। पिछले 6-7 महीनों में आपने ये शब्द बार बार सुने होंगे, संकल्प से सिद्धि। आखिर है क्या, कहीं किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई मोबाइल की ऐप का नाम है तो डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया तो बस चल पड़ा। और इसलिए आज आपसे मैं संकल्प और उसकी सिद्धि पर ही विस्तार से बात करने के लिए लालायित हो रहा हूं। आखिर संकल्प क्या है, आखिर का हमें सिद्ध क्या करना है? साथियों, 2022 में हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा करेगा। अपने आजादी की लड़ाई के बारे में सिर्फ किताबों में ही पढ़ा है, मैंने खुद भी आजादी के आंदोलन के बारे में सिर्फ सुना है, पढ़ा है। और इसलिए उम्र का फर्क भले हो लेकिन इस मामले में आप और मैं अलग नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, हमने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि हम आजादी के आंदोलन, देश आजाद होने के बाद पैदा हुए और इसलिए हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन सपनों को पूरा करने की है जो सपने उस समय आजादी के दीवानों ने देखे थे जब जेल में ब्रिटिश पुलिस कोड़े बरसाती थी, गोलियां चलाती थी, आजादी के दीवानों को फांसी के तख्त पर चढ़ा देती थी, अंधेरी कोठरी में उन्हें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। कोई अंडमान निकोबार के काली पानी में जिंदगी गुजार रहा है। हमारे वीर सेनानी
जिस भारत का सपना देखा करते थे, जिस भव्य भारत के लिए यातनाएं झेलते थे, क्या उस भारत को बनाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है क्या? जब हम उस कल्पना को, उस सपने को जिएंगे, तो उनके सपनों के भारत के लिए संकल्प लेना भी सरल हो जाएगा। यह भारत कैसा होगा, न्यू इंडिया कैसा होगा? आज जब आप दिन भर के कार्यक्रमों के बाद रात को अपने कमरे में जाएं, सोने के लिए जाएं, कुछ पल जरूर सोचिएगा, सोचिएगा कि आपके आसपास ऐसा क्या हो रहा है जिसे आप बदलना चाहते हैं। ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसके बारे में आप हमेशा सोचते हैं और आपको लगता है कि ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ बदलना चाहिए। जब आप ट्रेन से यहां आ रहे होंगे, स्कूल में, कॉलेज में, घर में, मोहल्ले में, जब भी आपने सोचा हो कि ये ठीक नहीं है, ये तो बदला जाना चाहिए, और आप पर हर कोई होगा जिसके बारे मन में जो है उसमें बदलाव की इच्छा ना हो, अपेक्षा ना हो, एक बार ये जो चीजें आकर के चली जाती है, विचार आता है, कुछ देखते हो, मन में पीड़ा होती है, गुस्सा आता है, जो कुछ भी होता है, एक बार उसको जरा रिविजिट कीजिए। आज फिर से सोचिएगा, आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती को ही उन्हीं बातों को एक बार सोचेंगे, स्वामी विवेकानंद का स्मरण करेंगे, आजादी के दीवानों की याद करेंगे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल जैसे महापुरुषों का स्मरण करेंगे, तो मैं विश्वास से कहता हूं जो जो चीजें आपने अनुभव की है, जिन बातों से आपको पीड़ा हुई है, जिसको बदलने के लिए आपके मन के अंदर एक विचार पैदा हुआ है, मैं विश्वास से कहता हूं अगर आज की रात आप उसके साथ जुड़ जाओगे तो वही ललक आज संकल्प बन जाएगी और आपका संकल्प ही, और मैं मानता हूं कि संकल्प कोई गाजे बाजे के लिए नहीं होता, किसी को बताने के लिए नहीं होता, होल्ला मचाने के लिए नहीं होता है, बल्कि ये संकल्प आपके खुद के लिए होगा। जब कल सुबह आप सुबह सूरज की साक्षी में जिंदगी की ओर सोचेंगे, तो एक नई ऊर्जा, नया उमंग, नया संकल्प आपके सामने कुछ न कुछ नया करने के लिए प्रेरणा लेकर के खड़ा होगा। साथियों, आप सभी जिस यूनिवर्सिटी के परिसर में है, उसका नाम गौतम बुद्ध पर है, आप जिस शहर में है, ग्रेटर नोएडा, उसका नाम भी गौतम बुद्ध नगर है, और इसलिए मैं आपको गौतम बुद्ध से ही जुड़ा एक किस्सा आज सुनाना चाहता हूं। बात बहुत छोटी सी है, छोटा सा वाक्य है, बहुत बड़ा नहीं है। एक बार भगवान बुद्ध से उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, क्या आपसे शिक्षा लेने वाले हर शिष्य को निर्वाण मिल जाएगा क्या? भगवान बुद्ध ने एक पल भी बिताए बिना सटीक से जवाब दे दिया, नहीं। कुछ को मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा। शिष्य ने पूछा, ऐसा क्यों? तब भगवान बोले कि जो मेरी शिक्षा को सही तरीके समझ पाएंगे उन्हें ही निर्वाण मिलेगा, बाकी भटकते रह जाएंगे।
साथियों, एक ही गुरु से आपको एक ही शिक्षा मिलेगी, लेकिन आप उसे कैसे ग्रहण करते हैं, आप खुद में क्या संकल्प लेते हैं, ये आपकी सफलता और असफलता तय करता है। अब देखिए, जैसे कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु एक ही थे, दोनों को एक ही तरह की शिक्षा मिली, लेकिन दोनों का ही व्यक्तित्व और कृतित्व कितना भिन्न था। और ऐसा इसलिए क्योंकि कौरवों और पांडवों के संकल्प अलग अलग थे। जीवन पथ में आपको भी शिक्षा देने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन शिक्षा ग्रहण करते किस रास्ते पर चलना है, किस तरह का संकल्प लेना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ही तय करना होगा। और यही तो गौतम बुद्ध ने जब कहा कि अप्पदीपो भव, मैं समझता हूं इस छोटे से वाक्य में उन सारी बातों का सार है। अपना दीपक, अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपने संकल्प स्वयं लो। कोई आपको शपथ दिलाने के लिए नहीं आएगा, कोई याद दिलाने के लिए भी नहीं आएगा। जो कुछ भी करना है आपको खुद को करना है। मुझे भी कुछ भी करना है तो मुझे खुद करना है। भाई और बहनों, स्वामी विवेकानंद की आज जयंती है, तब हम स्वामी विवेकानंद की उस बात को याद करते हैं। वो कहते हैं, युवा वो होता है जो बिना अतीत की चिंता किए अपने भविष्य के लक्ष्यों की दिशा में काम करता है। आप सभी युवा जो आज काम करते हैं, वही देश का भविष्य की दिशा तय करता है। और इसलिए आप जो आज संकल्प लेंगे, वही सिद्ध होकर देश को भी अपने संकल्पों की पूर्ति के लिए तैयार करेगा, सिद्धि प्राप्त करेगा। उत्तर प्रदेश के एक ही एक मशहूर गीतकार हुए, फिल्मों में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा था, श्रीमान मजरूर सुल्तानपुरी जी, उनका एक शेर था, मैं अकेला ही चला था जानी वे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। साथियों, हर व्यक्ति को कभी न कभी अकेले ही शुरुआत करनी होती है। आपकी नियत साफ होती है, इरादे स्पष्ट होते हैं, हौसले बुलंद होते हैं, तो आपके साथ खुद से लोग जुड़ने लग जाते हैं। मेरी आज आपसे यही अपेक्षा है कि पहला कदम उठाने से पहले कुछ संकल्प करके, नई शुरुआत करने से पहले घबराए नहीं, बस ठान ले और चल पड़े। आपकी इसी यात्रा में सरकार भी, पूरा हिंदुस्तान भी हर तरह से आपके साथ है, ये विश्वास लेके चलिए। मैं चाहता हूं कि जो नौजवान कुछ कर गुजारना चाहता है, अपने दम पर, अपने परिश्रम से अपने सपने पूरे करना चाहता है, उन्हें हर तरह की मदद मिलेगी। जब वो शुरुआत करे तो उन्हें बैंक गारंटी की चिंता ना करनी पड़े, टैक्स की चिंता ना करनी पड़े, 2500 तरह की कागजी कार्रवाई की चिंता ना करनी पड़े। मैं चाहता हूं मेरे देश का नौजवान जॉब क्रिएटर बने,
इनोवेशन के लिए आगे आए, इनोवेटिव चीजों करने के लिए, आउट ऑफ बॉक्स करने के लिए मैदान में आए। और इसलिए इस दिशा में सरकार की तरफ से लगातार कोई न कोई योजनाएं बनाई गई है। साथियों, हमारी सरकार अब तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, और मैं चाहता हूं कि आप नौजवान इस बात को गंभीरता से समझें, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लगभग 10 करोड़ लोगों के लोन स्वीकृत कर चुकी है। 10 करोड़ का आंक बहुत बड़ा होता है। लोगों को बिना बैंक गारंटी 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज दिया जा चुका है। सोचिए, बिना बैंक गारंटी, बिना ये पूछे कि पैसे कैसे वापस आएंगे, कर्ज कैसे चुका जाएगा, 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि देश के युवा पीढ़ी के हाथ में दे दी गई। इन पैसों से गांवों में, कस्बों में, शहरों में, देहातों में लोगों ने अपने छोटे छोटे कारोबार शुरू किए हैं, बिजनेस शुरू किए हैं, वो अपने सपने पूरे कर रहे हैं। ये लोग, ये छोटे और मंझले उद्यमी अब खुद रोजगार देने वाले बन रहे हैं। भाइयों और बहनों, सरकार की इस बड़ी योजना का आधार सिर्फ एक ही है, आप पर, देश के नौजवानों पर, मेरा, सरकार का और 125 करोड़ देशवासियों का भरोसा। हमें भरोसा है कि इस देश का नौजवान जब ठान लेता है तो कुछ भी कर गुजरता है। ऊर्जा से भरे ऐसे नौजवान देश के हर कोने में उपस्थित है। कोई पहाड़ों से निकलने वाले छोटे झरनों से बिजली बना रहा है, कोई कूड़े से बिजली पैदा कर रहा है, कोई कूड़े से घर निर्माण की चीजें बना रहा है, कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रहा है, किसी ने अपने खेत में ही फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा रखा है। ऐसे करोड़ों युवा राष्ट्र निर्माण के लिए दिन रात जुटे हुए हैं, जूझ रहे हैं। आप में सामर्थ्य है, साहस है और सही दिशा में चलने की सूझबूझ भी आप रखते हैं, और इसलिए सरकार का प्रयास आपके हैंड होल्डिंग का है। थोड़ा सा सहयोग और बाकी आप सामर्थ्यवान है, खुद सक्षम है। साथियों, सरकार से और भी ध्यान दे रही है कि आज की आवश्यकताओं के हिसाब से स्किल ट्रेनिंग मिले। स्किल को लेकर पहली बार इस तरह की गंभीरता किसी सरकार ने दिखाई है, वरना पहले तो स्किल और एजुकेशन में सीधा फर्क पूछने पर लोग चुप हो जाते थे। भाइयों और बहनों, किताब में पढ़ना कि हवा जहाज कैसा होता है, कैसे उड़ाया जाता है, किताब में उसकी बारीकियों को समझना, अगर उस पर एक निबंध लिखना तो बढ़िया निबंध भी लिख देना, अच्छा लेक्चर देना है तो लेक्चर दे देना, डिबेट करनी है तो अच्छी डिबेट कर देनी, ये सब एजुकेशन है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी अगर उसको असल में हवाई जहाज उड़ाना है तो नहीं उड़ा सकता है। वो हवाई जहाज तो तब उड़ा सकता है जब उसमें हवाई जहाज उड़ाने की स्किल होती है। सिर्फ एजुकेशन हो और स्किल ना हो तो रोजगार मिलने में मुश्किल होती है, और इसलिए हम स्किल बढ़ाने पर फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं को एजुकेशन के साथ ही स्किल की ट्रेनिंग मिले, इसका ध्यान रखा जा रहा है।
स्किल इंडिया मिशन के तहत लाखों नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सरकार देश भर में प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों की स्थापना कर रही है। इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर भी खोले जा रहे हैं। सैकड़ों मल्टी स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर भी काम हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है जब युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप देने वाली कंपनियों को भी सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जा रही है। अप्रेंटिसशिप का जो पैसा कंपनियां छात्रों को देती हैं, उसका कुछ हिस्सा सरकार की तरफ से कंपनियों को दिया जा रहा है। नेशनल एंट्रेंसशिप अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत अब तक लगभग 7 लाख युवाओं का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। अगले 2-3 साल में सरकार का लक्ष्य 50 लाख नौजवानों को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देने का भी है। प्रधानमंत्री युवा योजना के तहत 3000 से ज्यादा संस्थानों में छात्रों को ट्रेनिंग देने का काम बहुत तेज गति से चल रहा है। सरकार की कोशिश है कि आप नौजवानों को देश की आवश्यकता, हमारे यहां के उद्योगों की आवश्यकता के हिसाब से ट्रेनिंग मिले, नीड-बेस्ड ट्रेनिंग हो। भारत से बाहर के देशों में किस तरह के मानव संसाधनों की जरूरत है, उसे भी ध्यान में रखते हुए लोगों की स्किल डेवलपमेंट की जा रही है। साथियों, मुझे देश के नौजवानों पर पूरा भरोसा है। देश की युवा शक्ति, युवा ऊर्जा, इस पर भरोसा कौन नहीं करेगा। देश के सपने अगर कहीं निवास करते हैं तो वो देश के युवा हृदय में करते हैं, और इसलिए हमने उस पर ध्यान केंद्रित किया है। साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि आज के युवा में धैर्य नहीं है। मैं कहता हूं कि यही बात आज की पीढ़ी के नौजवानों के लिए उनके गंभीर इनोवेशन का कारण बन जाती है। जीवन में धैर्य होना चाहिए। अधीर जीवन सही नहीं है, लेकिन ऐसा भी धैर्य नहीं होना चाहिए कि आदमी नया सोच ही न पाए, जिंदगी बिल्कुल ठहर जाए। धैर्य नहीं है इसलिए आज के नौजवान ज्यादा तेजी से कुछ न कुछ नया करने के लिए दौड़ता रहता है, इनोवेटिव काम करने के लिए लगा रहता है, नतीजे पाने का प्रयास कर रहा है। स्वच्छ भारत अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, वेस्ट टू वेल्थ हो, आपके इनोवेशंस सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं। आपके आसपास जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उन्हें आपसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। इनोवेशंस की आपकी इसी क्षमता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया है। देश के स्कूलों में, कॉलेजों में इनोवेशन का इकोसिस्टम बनाने पर जोर लगाया गया जा रहा है। छात्रों में साइंटिफिक टेंपर बढ़ाने और उनकी क्रिएटिविटी को सही प्लेटफॉर्म पर और सही प्लेटफॉर्म देने के लिए देश भर में करीब करीब 2500 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स को भी स्वीकृति दी गई है। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, एग्रीकल्चर, वाटर और सैनिटेशन जैसे अनेक सेक्टरों में इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर भी खोले जा रहे हैं। ये सेंटर नए स्टार्टअप्स को
आर्थिक भी मदद देंगे और सही रास्ता भी दिखाएंगे। भाइयों और बहनों, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम भारत में स्टार्टअप क्रांति का आधार बन रहा है। सरकार ने 10,000 करोड़ की राशि से स्टार्टअप फंड बनाया है। नए स्टार्टअप ऐप्स को क्रेडिट गारंटी दी जा रही है, टैक्स में छूट दी जा रही है, वो अपने इनोवेशन का पेटेंट करा सके, इसके लिए सरकार की तरफ से उन्हें कानूनी सहायता भी दी जा रही है। मैं ये सारी जानकारी आपको इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि कॉलेजों से पढ़कर निकलने के बाद यही जानकारी आपकी आगे बढ़ने में मदद करेगी। आज जो आप संकल्प लेंगे उसे सिद्ध करने में यही जानकारी आपकी मदद करेगी। पढ़ते हुए आपको स्टार्टअप शुरू करने से कोई नहीं रोकेगा, अपनी कंपनी खोलने से कोई नहीं रोकेगा। उस समय आपको सरकार के इन्हीं इनिशिएटिव से मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, दुनिया में हर कोई सुविधा पाकर ही आगे बढ़ा है, ये जरूरी नहीं है। संघर्ष में भी लोग आगे बढ़े हैं। आज कितनी ही विदेशी कंपनियों को भारत से गए हुआ आज चला रहे हैं। वो कंपनियों के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, सीईओज हैं। इन कंपनियों में उनके काम का लोहा माना जाता है। क्या वो सीधे वहां पहुंचे हैं क्या? नहीं। क्या राजनीतिक वंशवाद वाली स्टाइल में उन्हें सीधे वो बड़े पद मिल गए हैं? जी नहीं। उन्होंने मेहनत की है, संघर्ष किया है, सपने देखे हैं, जोखिम उठाया है और दिन रात पसीना बहा है, तब जाकर के वे वहां पहुंचे हैं। भारत के युवा में ये सामर्थ्य है कि वो जहां भी गया है अपना और हमारे देश का नाम उसने रोशन किया है। आपने देखा है, दो दिन पहले ही आंचल ठाकुर ने भारत को स्कीइंग में अब तक का पहला अंतर्राष्ट्रीय मेडल दिलवाया है। कुछ दिनों पहले मानुषी छिल्लर ने देश का नाम रोशन किया है। मैं मानता हूं कि जो सोशल मीडिया पर है वो अवश्य हर रोज अपडेट लेते होंगे कि सागर परिक्रमा के लिए जो 6 बेटियां निकली हुई है वो आज कहां पहुंची हैं, जो लोग ट्रैक करते होंगे उनको पता होगा। यह संकल्प से सिद्धि का एक अलग अलग यात्राओं का जो हर किसी के लिए प्रेरणा का कारण है। साथियों, आज मेरा आपसे यह भी आग्रह है कि खेल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। इस समय मंच पर हमारे राजवर्धन जी हैं, मैं मानता हूं वो मंत्री बाद में हैं, पहले वो ओलंपियन है, शानदार निशानेबाज है। और वैसे हमारे जुझारू तेज तर्रार युवा मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी भी, ये भी कम खिलाड़ी नहीं है। आजकल वो कई राज्यों में बहुत लोगों के साथ उनके काम के कारण दिक्कतें हो रही हैं। और मैंने पिछले दिनों देखा कि हमारे योगी जी ट्विटर का खेल खेल रहे हैं और ट्विटर के खेल में भी अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को उन्होंने परास्त करके रख दिया है। खैर, मैं स्पोर्ट्स पर ही फोकस करूं तो खेल शिक्षा का ही एक तरीका है जो सिर्फ शरीर को ही चुस्त दुरुस्त नहीं रखता है बल्कि मस्तिष्क को भी जागरूक करता है। खेल से हम अनुशासन सीखते हैं, खेल का मैदान हमें हार का मतलब समझाता है, खेल का मैदान हमें
जीत को पचाने की ताकत देता है। खेल का मैदान अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अथम अथक परिश्रम करना सिखाता है। टीम भावना का क्या अर्थ है, ये सबसे पहले हमें खेल के मैदान में ही नजर आता है। हारे चाहे जीते, लेकिन खेल के मैदान से हम जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सीखते हैं वो जीवन भर काम आती है। और इसलिए मैं कहता हूं, जो खेले वो खिले। आप लोग भी खूब खेलिए, खूब खिलिए। खेल के साथ साथ आप योग को भी अपनी जिंदगी में शामिल करिए। मुझे बताया गया है कि युवा में हर रोज आप सभी योग किया करेंगे। इस अभ्यास को आपने साथ लेकर जाइएगा। योग से आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होंगे। मेरे साथियों, आगे बढ़िए, अपना विस्तार करिए, अपने व्यक्तित्व का विस्तार करिए। यहां इस युवा महोत्सव में अलग अलग राज्यों से जो आपके साथी आए हैं, उनसे खूब मिलिए, बातें करिए, उन्हें समझिए, उनकी भाषा समझिए, उनका खान पान समझिए, रहन समझ सहन समझिए। एक प्रकार से भारत का साक्षात्कार करने का प्रयास कीजिए। मेरा अनुभव कहता है कि इस महोत्सव में आप जो सीखेंगे, आपके जो संबंध बनेंगे, जो जीवन भर आपके साथ रहेंगे, आपके काम आएंगे। साथियों, ये भी एक संकल्प है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत इस सपने को सिद्ध करता है। साथियों, हमारे श्रद्धेय नेता श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, कंधे से कंधा लगाकर, कदम से कदम मिलाकर हमें अपनी जन यात्रा को ध्येय सिद्धि के शिखर तक ले जाना है। भावी भारत हमारे प्रयत्नों और हमारे परिश्रम पर निर्भर करता है। आइए हम सभी मिलकर, देश के नौजवान मिलकर के, देश के 125 करोड़ देशवासी मिलकर के परिश्रम की पराकाष्ठा करें, अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में लगाएं, न्यू इंडिया बनाएं। एक बार फिर आप सभी को युवा दिवस और युवा महोत्सव की शुभकामनाओं के साथ स्वामी विवेकानंद जी का पुण्य स्मरण करते हुए, उस महापुरुष ने जो मार्ग दिखाया है, सामाजिक समरसता का मार्ग दिखाया है, ऊंच नीच के भेदों से मुक्ति का मार्ग दिखाया है, राष्ट्र के लिए जीने मरने की प्रेरणा का मार्ग दिखाया है, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर युवा प्रेरणा, युवा सामर्थ्य, युवा संकल्प के साथ आप आगे बढ़े, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।